एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? महेश भाई कैसे हैं? जय बजरंग बली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? और सर आप कैसे हैं? सच्चू सतराम साईं बेहतरीन। अच्छा जी, इस वक्त हम हैं जैसे कि बहरिया टाउन में। आपने हमारा बहरिया टाउन का व्लॉग भी देखा था, तो सर की जो है कंपनी है SSD डेवलपर्स। जी हाँ, और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो इनकी कंपनी जो है काफ़ी विलास वगैरह बना रही है, तो इस वक्त हम एक विला के बाहर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह जा रही है, लेबर काम कर रही है, तो उसको थोड़ा सा आपको विजिट कराते हैं। और यहाँ के अगर कराची का या और कोई पाकिस्तान का जो लोकल कोई बंदा अगर परचेस करना चाह रहा है या जो इंटरेस्टेड है विजिट करना चाहे विजिट कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो इस पर थोड़ा सा एक व्लॉग बनाया जाए, एक डिफरेंट चीज़ भी होगी और काफ़ी ऐसे लोग जैसे मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें जो है वो मुझे नहीं पता थी, जो यहाँ के पता चली कि यार बिल्कुल यहाँ प्रॉपर्टी जो है काफ़ी उसकी वैल्यू है और लेनी चाहिए, या किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो सर थोड़ा सा बताएं क्या किस तरह का प्रोजेक्ट आपका ये जो चल रहा है या कंपनी अभी बना रही है, आपकी क्या क्या चीज़ें हैं? सर हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, अभी तो हम कमर्शियल भी स्टार्ट कर रहे हैं। विलास स्टार्ट किया था जी, जी P1 में, P8 में और अली ब्लॉक्स में विला बना रहे हैं। और रहायश के हिसाब से तो बड़ा आला क्वालिटी का रहायश है, बेहतरीन है। ये आपने कंस्ट्रक्शन देखी हमारी? जी जी बिल्कुल, दिखाते हैं व्यूअर्स को। घर हमारे तैयार हो चुके हैं जो पड़े हुए हैं, और कुछ बिक गए हैं जिसमें रहायश पजीर लोग हैं। सही। और वो रहायश को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है और बड़ा आउट क्लास, आउट क्लास है बिल्कुल। और आपको थोड़ा थोड़ा सा अगर विजिट कराएं हमारे जो व्यूअर्स को भी दिखाएं हम लोग, तो थोड़ा सा फ्रेंड आइए आपको हम थोड़ा सा विजिट करवा देते हैं। बस आर्किटेक्ट दिए हैं आप हैं आर्किटेक्ट? मेरा घर बन गया। ये वाला नहीं कहीं और। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, तो सर ये क्या विला बन रहा है? क्या बन रहा है ये विला? बन रहा है, ये विला बन रहा है, और ये ड्राइंग रूम है, ये आप देख सकते हैं। और ये सर के जो है सर गंगाराम की जो कंपनी है वो ही जो कंस्ट्रक्ट कर रही है, SSD डेवलपर्स। और ये देख सकते हैं ऊपर जाने का रास्ता है, ये अगर स्टेयर्स हैं ऊपर आप जाने के लिए, मतलब ये सीढ़ियां ऊपर जाती है, ये अच्छा मथे भी आए पोर्शन। हाँ मतलब मथे भी देखा, ऊपर का पोर्शन भी दिखाते हैं आपको। और ये जो है लाउंज है, ये टीवी लाउंज है, ये टीवी लाउंज है और काफी बड़ा है। दो बेड बने हुए हैं, अभी तक काम चल रहा है मतलब इसका। और जी जी ये किचन है बड़ा वाला जी, और छोटा किचन, ग्रेजी किचन, ये किचन, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स किचन है और काफी बड़ा एरिया है किचन का भी। ये क्या चीज है सर? मतलब ग्रेजी किचन, ग्रेजी किचन वगैरह बनाने हो जिसमें। अच्छा अच्छा, ज्यादा स्मोक वगैरह जो, हाँ स्मोक वगैरह अगर हो तो। ये एरिया भी है, ये बाहर ऊपर जाने का रास्ता है, ये ऊपर सर्वेंट क्वार्टर है। अच्छा ऊपर सर्वेंट क्वार्टर, बहुत सीढ़ी लगेगी। अच्छा यहाँ से सीढ़ी लगेगी सर्वेंट क्वार्टर जाने के लिए। अच्छा सर्वेंट क्वार्टर से जाने के लिए, बाहरी बार से सर्वेंट क्वार्टर में आना है जाना है। और ये एक और ये बेडरूम है, ये दो बेड हैं, एक ये बेडरूम है, अटैच बाथ है और काफ़ी बड़ा है ये भी मतलब साइज इसका। ये वॉशरूम देख सकते हैं आप, उसकी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। सर कितना टाइम में बनता है इसका? 12 से 15 महीने में बन जाता है जी, बेरा की तरफ से 18 महीने तक टाइम पीरियड होता है। 18 महीने। और बाहर का जो डिजाइन है वो एक सेम मतलब सेम होता है, वो स्टैंडर्ड मतलब जो उनका डिजाइन है वो देते हैं जी जी, तो उसी के हिसाब से बना। बाकी इंडोर में जो है आप जो भी आपकी अपनी मर्जी, एक रूम बनाए चार रूम बनाए। अच्छा तो इसके किस तरह मतलब कॉस्ट वगैरह इसकी किस्त कितनी होगी? या ये कॉस्ट मतलब एक मतलब में हम लोग बना के देते हैं पूरा कंप्लीट बना के। अच्छा सही। और यहाँ
है बेडरूम, ये बेडरूम, एक और ये बेडरूम है फ्रेंड्स, और इसके साथ अटैच बाथ, वॉशरूम, सामने एक प्लेन जा रहा है लेकिन पता नहीं नजर आ नहीं रहा, महेश भाई को नजर आ गया जहाज, आंखें बड़ी है। और ये भी एरिया है फ्रेंड देख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा जो है एरिया है इसका विला का, और विला की अगर उस साइड देखें तो आप इस साइड देख सकते हैं सामने मॉस्क भी है। ये जो है विला के ऊपर का जो फ्लोर है ये पोर्शन है, ये हमारे हीरो की एंट्री, महेश भाई ये मास्टर रूम है, ये मास्टर रूम है फ्रेंड्स, मास्टर ही है। यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं कि व्यू कैसा है, ये आप देख सकते हैं सामने एक पार्क भी है, ठीक है सामने एक पार्क है, और ये आप देख सकते हैं हेवी साई वॉशरूम, वॉशरूम आपको दिखा सकते हैं मास्टर बेड के साथ, ये वॉशरूम फ्रंट देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है, तो इसमें बाथ टब वगैरह मतलब मेरे ख्याल में सब दो, ये तो बहुत बड़ा है महेश भाई, कई घरों में तो इतना रूम होता है वैसे ज़्यादातर। अच्छा, और ये क्या चीज़ है सर यहाँ पे? स्टडी रूम है, स्टडी रूम, स्टडी रूम कह लें या नमाज कह लें, हाँ जो भी आप अपने अपने उसके जो है, और ये गैलरी है, टेरेस है, टेरेस ये देख सकते हैं सामने, ये पार्क देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ग्लास वगैरह लगेगा सर? जी जी। अच्छा जबरदस्त, ये हमारी अपनी इंजीनियरिंग है। अच्छा अच्छा भाई जी। अच्छा उसके बाद तकरीबन जो है सब लोग यही करवा रहे हैं, ये किचन है, ये लाउंज काफी बड़ा है लाउंज, वीडियो में आप लोग को शायद क्लियर हो रहा है ना, ये डक एरिया सर वो चाचे वो, हाँ डक एरिया, ये डक एरिया है, यहाँ से बत्तख आती है महेश भाई, लिखी सकूँ ना मना इतने अगर लिखना हो, ये डक एरिया है, और सामने जो है एक और किचन है, ऊपर के पोर्शन के लिए किचन है, और एक कपड़े जो हैं जो काम कर रहे हैं बंदे लेबर जो हैं उनके हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा एक रूम यहाँ है, ये रूम भी है, यहाँ से व्यू चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, ये पार्क वगैरह आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं तुम लोग सो रहे हैं या जाग रहे हो? है केड़ा एरिया सर बस है इतने, देखो वार्डरोब, वार्डरोब, वार्डरोब वगैरह ना, तो फ्रेंड्स ये वॉशरूम है, अभी जो है सामान वाम पड़ा हुआ है कुछ, यहाँ वार्डरोब के लिए जो है स्पेस है, और एक और बेडरूम ये है, एक और बेडरूम है ये, और इसके साथ जो है वॉशरूम, अटैच बाथ, और यहाँ से भी जो है व्यू नज़र आ रहा है, और यह और भी जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह ऑनगोइंग है, और भी कंस्ट्रक्शन जो है ऑनगोइंग यहाँ पे है वो आप देख सकते हैं सामने, ये पूरा बहरिया टाउन का लुक, आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन होती जा रही है जी सर, और कुछ अगर आप बताना चाहें?
सही व्यूअर्स आएंगे देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, तो सब मशवरा भी देंगे। सही, जो अगर बाय करना चाहे तो बाय करना चाहे, जो रहना चाहे उसके लिए बड़ी बेहतरीन। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बैरा टाउन बाहर है सिटी से, आप क्या कहेंगे किस हवाले से? सर वो बाहर लगता था, अभी नहीं, अभी नहीं है, अभी तो सारा सिटी यहाँ से हो रहा है। सही, ट्रांसपोर्ट वगैरह तो लगता है हैदराबाद को टच करेंगे, हैदराबाद को टच करेंगे। सही, हर फैसिलिटी तकरीबन यहाँ पे है, फैसिलिटी कराची में नहीं है जो यहाँ। इलेक्ट्रिसिटी का सर क्या सिस्टम है यहाँ पे? थोड़ा इलेक्ट्रिक सिटी तो गवर्नमेंट की है और 24 आवर्स है, उन्हीं के साथ जनरेटर्स लगे हुए हैं, जनरेटर्स हैं। अच्छा, अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर स्टार्ट हो जाते हैं फुल लोड के साथ। अच्छा, जनरेटर सिस्टम मतलब अगर लाइट नहीं है तो 24 आवर जनरेटर भी अवेलेबल है? अवेलेबल है, वो सारे घरों में लाइन दी हुई है। अच्छा, गैस का क्या है यहाँ पे? गैस का अभी कोई इशू है, इनका कोई गैस अभी आई नहीं है, लाइनिंग पाइपलाइन वगैरह तो अभी तक गैस आई नहीं। बाकी अभी जो सिलेंडर वगैरह है वो इनके कंप्लेन सेंटर है 24 घंटे के लिए, आपको कोई परेशानी हो तो वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो रिफिल करवाने पड़ता है, पानी हो, पानी भी 24 आवर्स है, मीठा पानी है, मीठा पानी, जी मीठा पानी है। सही सही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है। सिक्योरिटी सिस्टम, मेंटेनेंस वगैरह का यहाँ है कुछ सीन? जैसे अपार्टमेंट्स में तो होता है, विलास तो कुछ भी नहीं है मेंटेनेंस, विलास के लिए कुछ मेंटेनेंस तो बेसिकली है, मगर जिसको कहो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी जी, 250 गज का 3,200 रुपये मेंटेनेंस, 3,200 रुपये और 200 विला में 1,926 रुपये सॉरी। और ये मेंटेनेंस ज्यादा, बाहर डस्टबिन वगैरह भी, गार्बेज कलेक्ट मतलब डेली होता होगा, सुबह और शाम को दो टाइम गाड़ी आती है, गाड़ी आती है तो वो उनका कचरा वगैरह सब उठा, कचरा वगैरह होता है। तो सर ये भी सेम उसी तरह का ही विला, 250 गज का विला है और ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, और इंशाल्लाह मैंने सवा में पार्टी को हैंड ओवर करेंगे। अच्छा, जिसमें आके रहेगी उसकी ओवन चिमनी सब चीज लगना स्टार्ट। अच्छा, हो गई, बिल्कुल लग गई है। सही, और ये कारपेंटर वगैरह काम कर रहे हैं, आखिरी मरहले में चल रहे हैं। सही, चलो वो केयर है, थैंक यू डालन, कुछ है खैर, चलो खैर, चलो सर कुछ है। अच्छा, ड्राइंग रूम, सही, ये फ्रंट ड्राइंग रूम वगैरह ये रेडी है ऑलमोस्ट, बस फर्नीचर वगैरह कुछ जो ऐड होगा इसमें, या कुछ जो है कारपेंटर काम कर रहे हैं, ये डोर वगैरह जो है बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा चलो एक रेडी भी है, सर से पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, तो थोड़ा सा मैंने कहा आपको दिखा ही देते हैं, ये भी देख सकते हैं किचन, ये पानी देने लगे होते हैं किचन में, सामने रूम रूम है ना, डेक जी बने आवाज, ये डाइनिंग रूम है, ये डाइनिंग है जी, दरवाजा और दरवाजे की तो बैठे जोड़े, ये भी एक बेडरूम आप देख सकते हैं, ये भी नाउ ठहला है। अच्छा, थैली में बगल, और ये वॉशरूम देख सकते हैं आप, और महेश भाई लगता है कि नहाने के शावर ले रहे हैं। दरिया या वो मैकडोनल्ड जी ड्राइव थ्रू, तो भाई ये देख सकते हैं वॉशरूम ऑलमोस्ट कंप्लीट, अभी सफाई वफाई जाहिर होगी, पूरी क्लीनिंग होगी प्रॉपर, और ये देखें सर जो है दरवाजा बंद कर रहे हैं गंगाराम सर। हम तुम एक बाथरूम में बंद हो, मैं चाबी में सर लेके जाए। तो भाई ये आपने देखा, आपको थोड़ा सामने इसीलिए दिखाया, लेकिन हम कोई भाई वो नहीं है कि प्रॉपर एक जो है ना प्रॉपर्टी हम सेल नहीं करने के लिए व्लॉग बना रहे कि आप समझे कि यार ये चीज़ दिखाओ वो दिखाओ, जो समझ आ रहा है मैं क्वेश्चन भी सर से पूछ रहा हूँ, और आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, तो नेक्स्ट टाइम सर से ज़रूर पूछेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर आपको ये दिखा देते हैं,
क्योंकि आपको डिफरेंस पता चले ना, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्ट जो एक चीज़ हो रही है उसमें और इसमें डिफरेंस कितना है। अभी तक भी ज़ाहिर फिनिशिंग वगैरह इसकी बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ये भी एक बेडरूम है। व्यू चेक करें भाई, व्यू हर जगह से आपको ज़बरदस्त मिलेगा। खड़ी हलम बार बार जी ये एक और वॉशरूम है फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हैं। और ये हूँ मैं समीर आपका। तो ये सब प्लॉट खाली है, ये किस चीज के लिए है? विला वगैरह बनेंगे, विला ही बनेंगे। अच्छा, बाकी पार्क इसके लिए सामने है। सामने पार्क है, फैमिली पार्क है, फैमिली पार्क है। सामने भी ऑफिसेस वगैरह या और तो अपार्टमेंट ऑफिसेस वगैरह बन रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर बना रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर बना। और ये किचन है एक, और ये छोटा किचन है, छोटा किचन वो नीचे, ये एक और किचन है। ये एक जो और बेडरूम है, और ये वॉशरूम है। एक और बेडरूम है फ्रेंड्स, और वॉशरूम भी है। डोर्स भी है जो न्यू है, लेकिन इन पे जो है अभी पॉलिथीन वगैरह या कुछ हुई चढ़ी हुई है। एक्चुअल कलर जो है डोर का इस तरह का है, डोर नॉब वगैरह भी अच्छे लगे। इसके अलावा यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, टेरेस है, गैलरी भी कह सकते हैं। जो एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, नाम क्या है आपका? गुलाम मुस्तफा। और क्या कर रहे हो आप? ये इलेक्ट्रिशियन का इधर काम, इलेक्ट्रिशियन का काम। अच्छा, वेल्डिंग का। अच्छा, ये जो ग्रिल वगैरह इसको थोड़ा सेट कर रहे हैं जी। रेलिंग कहेंगे ना, रेलिंग है ना ये? जी वेल्डिंग। सही सही। अच्छा, ये जो है ये फ्रेंड स्पेस है, यहाँ पे कपड़े वगैरह क्लीन की कर सकते हैं। वॉशिंग एरिया आप छोटा सा कह लें, मतलब वैसे तो प्रॉपर जो है वॉशरूम वगैरह में ही होता है, लेकिन बाकी ये एंट्रेंस है, ये किचन की एंट्रेंस है। एक और किचन था, मेहमान ज्यादा तो यही एरिया के साथ चलना। तो ये गली है, मतलब उसके साथ ही विला के साथ। और ये भी काफी बड़ा एरिया, बच्चे मतलब प्ले एरिया भी बच्चों के लिए बन सकता है, खेल सकते हैं बच्चे। ये सर साधे ये ऊपर सर्वेंट क्वार्टर है, और उसके ऊपर जो है टेरेस है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टेयर से आप जो सर्वेंट क्वार्टर है, और उसके बाद टेरेस पे आप जा सकते हैं। देख सकते हैं विलास, ये भी ना सब ये भी सर की जो कंपनी है, SSD डेवलपर्स उन्होंने ही बनाए हैं ये चार जो विलास आपने देखे।
तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको जो है हमारा ये व्लॉग, या व्लॉग तो नहीं, बेसिकली हमने जो है कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की, थोड़ा सा आपको विलास का जो है विजिट करवाया, और सर ने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से दी कि कितना जो है एक्सपेंस वगैरह या कितनी जो है इसकी कॉस्ट है जो आप अगर विला जो है परचेज कर। I'm not afraid of the dark.